हेलो, गुड इवनिंग। मैं आप सबकी शाले। मैं कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग सही होंगे और उम्मीद करते सब अच्छे और खुश होंगे। और चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में देखते हैं कि ये होता है कि जो हमारी अन्या होती हैं वो कहती हैं, देखते हैं प्रीवियस पार्ट। तो उसमें हमारी अन्या कहती हैं कि क्या मैं भी मतलब उनकी माता जी को सिंदूर उनके पिताजी ने पहनाया होता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम भी कर लो। तो फिर देखते हैं स्टोरी के आगे, और स्टोरी के आगे का देखते हुए बढ़ते हैं। तो वो होता है कि तो वो कहती हैं कि अच्छा, तो वहाँ तक मैं सिंदूरी यशा की तरफ बढ़ते हैं और रूपी शरा को पहनाती हैं, सॉरी शानवी को, शायद बार बार दिमाग में आ रही है। तो बढ़ते हैं, फिर हमारी जो शानवी होती है उनको पहनाते हैं। फिर इनका फास्ट शुरू हो जाता है दिन का, और शुरू होने के बाद ही इनका दिन का फास्ट शुरू हो जाता है। और अंदर जो शाम बिल्कुल होने वाली होती है, और फिर वो शुरू करते हैं दोनों का दिन का, होल डे स्टार्ट हो जाता है और वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो अब अदर जो होती हैं शानवी परेशान हो रही होती हैं, फास्ट रक्त रक्त तुली होती हैं, मगर फास्ट के बाद उनको बहुत तेज़ भूख भी लग रही होती है और हेडेक भी। तो हमारी निया देखती हैं उनको यूँ परेशान, तो कहती हैं कि शानवी तुम्हें काम करो, तुम खाना खा लो और रहने दो, फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो निया बोलती हैं, हमारी निया बोल देती हैं शानवी को, पर शानवी कहती हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा बोलती है हमारी शानवी। और हमारी निया इस बात को देखते हुए कि निया खुश होती है मन ही मन के, कहीं ना कहीं शानवी उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है और इस बात की उसको बेहद खुशी भी होती है। और अब कहती है थैंक यू भगवान मुझे इतनी अच्छी लड़की से मिलाने के लिए, ऐसा बोलती है। और वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हैं, और ऐसा होता है कि हमारी निया का जो होता है पैर स्लिप हो जाता है, और पैर स्लिप होता है तो वो सीढ़ियों से नीचे फिसलते हुए नीचे आ जाती हैं, उनको चोट लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसके वजह से उनके सर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीड होता है। और ये सारे सिचुएशन देखते हुए वो जो हमारी निया होती हैं वो सिचुएशन में रहती हैं, और उधर उनको इसको समझ नहीं आ रहा, तो वो अनकॉन्शियस होने वाली होती हैं। और इधर जो हमारी शानवी होती हैं उनको देखती हैं कि सीढ़ियाँ गिर चुकी हैं और उनके सर से ब्लड बह रहा है, और वो चिल्लाते हुए निया की तरफ पड़ती हैं, निया और इनके पिताजी, निया और निया की तरफ बोलते हैं, उनके पिताजी पड़ते हैं और नाना जी भी, और ये सब घबराए हुए होते हैं। और तुरंत ही हमारी जो शानवी होती है निया का सर उठा के अपने गोद में रखते हैं, निया क्या हुआ, प्लीज़ आगे खोलिए, आगे मत बंद करिए निया, प्लीज़ ऐसा बोल रही होती हैं, और रो रही होती है, उनकी आँखों से आंसू यूँ निकल रहे होते हैं कि जैसे उनके जज्बात पे उनका कंट्रोल ना हो। तो वो चल रही होती हैं और अपने आंखों से आंसू बहाए जा रही होती हैं, और फिर आंखों से आंसू यूँ बह रहे होते हैं जैसे कि उनके दिल में, दिल के कहीं कोने में कोई दर्द सा छुपा हो और वो अचानक से बाहर आ गया हो, ऐसे उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं।
और कहीं ना कहीं उनको इस बात का अफसोस होता है कि मैं नेहा को अकेले छोड़ी क्यों। और उनके जो दबे जज्बात होते हैं वो आखिरकार बाहर आ जाते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ नेहा आंखें बंद मत करो, और आंखें खोलो प्लीज़ नेहा, आपने आंखें बंद कर ली तो मेरी सांसें थम जाएंगी, प्लीज़ नेहा, ऐसा बोल रही होती है और रो रही, डैड मॉम कुछ करिए ना, प्लीज़ करिए। तो उनके पिताजी कहते हैं कि जल्दी गाड़ी निकालो, गाड़ी में उनके पिताजी नेहा को उठाते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता है, तो वो दोनों हाथों से मतलब दोनों कंधे से उठाते हैं, मतलब हाथ पकड़ के और कंधे पे अपने ऐसे टिका के दोनों नेहा और सॉरी शानवी और उनके पिताजी जो होते हैं राम कपूर, वो उनको ले जाने की कोशिश करते हैं और गाड़ी तक ले जाते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं, शानवी को बैठाते हैं पीछे और लेके जाते हैं, कहते हैं नैना जी आप घर पे रहें, हम जैसे ही कुछ होता है हम आपको बता देंगे और निया के घर वालों को इन्फॉर्म कर दें आप, तो कहती हैं कि ठीक है। तो इधर इनकी माता जी जो नैना जी होती हैं वो फ़ोन लगाती हैं सोनिया जी को और बोलती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो इधर सनी और जो होते हैं इनके पिताजी राघवेंद्र जी और जो ऐना होती है, सब लोग ये सारी खबर सुन के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इनके पिताजी भी हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं और अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये कैसे हुआ, तो कहते हैं कि ये सीढ़ियों से गिर गई और इसके सर में चोट लग गई और ऐसा, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो कहते हैं कि क्या डॉक्टर आप पुलिस को क्यों, तो कहते हैं कि फिर ये पुलिस केस है या नहीं वो तो वही डिसाइड करेगा पुलिस वाले ही, तो कहते हैं ठीक है हम इन्फॉर्म कर रहे हैं आप प्रोसीजर स्टार्ट करिए। तो वो होता है ना एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है हॉस्पिटल्स में, तो कहते हैं कि अगर कोई इनके रिश्तेदार मौजूद है तो इस पे साइन कर दें। तो हमारी शानवी का वो कंडीशन नहीं होता है कि वहाँ पे वो जाके साइन करें और ऐसा कुछ करने की कंडीशन में नहीं होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुख में होती हैं और ख़ास कर निया का ये कंडीशन देख के और ये कंडीशन देख के रो रही होती हैं और कहती हैं कि क्या भगवान आज ही ये सारी चीज़ें करनी थी, अभी तो बस मैं खुश होना स्टार्ट की थी, मेरी खुशियाँ फिर से आपने छीन ली, मुझे भगवान जी आपसे मेरे से आपको क्या दुश्मनी है कि आपने मुझे एक पल भी खुश नहीं रहना देना चाहते हैं, ऐसा बोलती हैं। और फिर कहती हैं कि भगवान जी अगर नेहा को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, और ऐसा बोल रही होती हैं। और भगवान जी जो हॉस्पिटल में होते हैं, जो मंदिर होता है वहाँ पे प्रार्थना कर रही होती हैं नेहा के सलामती का और रो रही होती हैं, उनके पिताजी देखते हैं और वो कंसेंट फॉर्म साइन कराने के लिए उनके पिताजी को लुभा कर जाते हैं। तो वहाँ पे एक कॉलम होता है कि आप पेशेंट के रिलेट मतलब क्या क्या रिलेशन है, तो वो फादर इन लॉ लिखते हैं। और तो उधर नर्स बोलती है कि आप इनके फादर इन लॉ हैं तो इनके हस्बैंड कहाँ हैं, तो वो इस बात पे कहते हैं कि वो मेरा दामाद है और मेरी बेटी ने उससे शादी की है। तो ऐसा बोलते तो सिस्टर देखती है एक पल राम कपूर के फेस पे और फिर आंखें झुका लेती है और फिर फॉर्म लेके चली जाती है। और अंदर जो होता है कि इधर हमारी निया काफ़ी सीरियस कंडीशन में पहुंच गई होती है क्योंकि उनके हेड से
काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका होता है और सारी चीज़ें मेडिसिन और पट्टी करने के बाद फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बट पेशेंट अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अगर रिस्पॉन्स नहीं किया, कॉन्शियस नहीं हुआ तो शायद कोमा में जा सकता है। तो कहते हैं कि 3 घंटे में होश आना ज़रूरी है। तो हमारी ये सब डॉक्टर की बातें हमारी जो शानवी होती है वो सुन लेती हैं और रोने लगती हैं और काफ़ी रोती हैं। कहती हैं कि क्या भगवान जी ऐसे बोलती हैं, और कहती हैं कि डॉक्टर क्या मैं मिल सकती हूँ। तो कहती हैं कि हाँ, हम आईसीयू ओटी से आईसीयू वार्ड शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आईसीयू में शिफ्ट करा जा रहा है 1 घंटे में और आप उनसे मिल सकती हैं। तो ऐसा होता है कि फिर हमारी जो निया होती हैं वो तो एक क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुकी होती है और उनको आईसीयू शिफ्ट कर दिया जाता है। आईसीयू शिफ्ट करने के बाद इंतज़ार, फिर जैसे ही आईसीयू शिफ्ट करती हैं तब तुरंत ही शानवी पहुंचती हैं और हमारे निया का हाथ पकड़ के शानवी रोने लगती हैं। कहती हैं कि आई एम सॉरी निया, मैंने आपको समझा नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा, मैं आपको यूं ही तड़पाती रही, रुलाती रही। मैं जब जान चुकी थी कि आप मुझसे प्यार करते हो, उस दिन आपने यूं नी पे आके मुझे जो प्रपोज़ किया, मेरा दिल बाहर आ गया था इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को सुनने के लिए। मैं चाह के भी खुद को रोक ना पाई, मगर हालात ऐसे थे निया कि मैं मजबूर थी, मुझे करना पड़ा। मैं अपने प्यार का भीख नहीं मांगना चाहती थी आपके सामने निया, बट निया अब मैं आपके सामने अपने प्यार की भीख मांगती हूँ, प्लीज़ आँखें खोल दो। और रो रही होती हैं, उनके आँखों से ऐसे धारे बह रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, और रोए जा रही होती हैं। अंदर राम कपूर जो होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, इधर इनके फादर शनी और एना सोनिया जी सब लोग हॉस्पिटल आ चुके होते हैं, और नीचे जो हॉस्पिटल के नीचे जो स्टाफ होते हैं रिसेप्शन पे पूछते हैं कि इस नाम से पेशेंट एडमिट अभी हुआ है और वो कहाँ पे है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे है, और वो ऊपर आते हैं आईसीयू वार्ड में, देखते हैं कि शानवी निया के पास बैठी हुई है और रोए जा रही होती है और कहती है कि निया मैं आज आपका प्यार एक्सेप्ट करती हूँ, आई लव यू टू निया, प्लीज़ आप जग जाओ, प्लीज़ एक बार तो मुझे मौका दो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने का, मैंने ये सब क्यों किया, ये तो मौका दो कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों की, क्यों, एक बार तो प्लीज़ सुन लो मेरी बातें, अगर नहीं सुनना चाहती मैं फिर भी बताना चाहती हूँ। तो वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करने लगती हैं कि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने प्यार का भीख मांगे उनके सामने, और वो रोएं गिड़गिड़ाएं, बाकी लड़कियाँ जैसे अपने प्यार के लिए दूसरों के सामने भीख मांगते गिड़गिड़ाती हैं, मैं वो नहीं करना चाहती थी। और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ निया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे प्यार के सामने मेरे पापा का सर झुके। और जिस दिन आपने मेरे पापा की बेइज्जती की, मैं गुस्से में आ गई कि मैं इस अपमान का बदला लेके रहूँगी, और मैं आपसे बदला लेने निकल पड़ी निया, बट इस दिल का मैं क्या करूँ जो आपसे प्यार कर बैठा है पहले से ही, फिर से मैं मजबूर हो गई आपके प्यार के सामने, आपके मासूमियत के सामने, प्लीज़ निया उठ जाओ ना। तो कहती हैं कि वो सारी गलतियां जो मैंने की, मैंने जो आपका प्यार आप घुटनों पे आके मुझे प्रपोज़ किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ, मैंने जो आपके साथ किया उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ,
अब जूस चाहे सजा मुझे दे लेना नया, प्लीज़ उठ जाओ। ऐसा बोलती रहती हैं और रोती रहती हैं, उनके आँखों से यूँ आंसू बहते रहते हैं। और जो हमारी निया होती हैं, आखिरकार हमारी जो शानवी होती हैं, वो उनका प्यार और उनकी शिद्दत उनके वो आँखें खोलने पर मजबूर कर ही देता है। तो वो होश में आती हैं और वो होश में आते ही पहला नाम जो लेती हैं वो शानवी होता है। तो कहती हाँ निया मैं हूँ। तो ऐसा बोलती है, तो ऐसा बोलती हैं सामने देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। फिर वहाँ पे जो आईसीयू वार्ड में जो नर्स होती है उनको बोलती हैं कि नर्स नया होश में आ गई है, आप एक बार चेक कर लें। तो जो नर्स होती है वो यूँ इनको रोता हुआ देख पूछती है कि ये आप क्या लगती हैं, सिस्टर या फ्रेंड, जिस तरह आप रो रहे हो। तो कहते हैं सिस्टर ना ही ये मेरी बहन है ना ही मेरी फ्रेंड, मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये मेरे सब कुछ है। तो ऐसा बोलती हैं और बहुत इमोशनल हुई रहती हैं। तो कहती हैं अच्छा ठीक है आप बाहर जाइए, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो ऐसा कहती हैं कि ठीक है, वो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है कि हाँ अभी नया का कंडीशन काफ़ी स्टेबल है और 2-3 दिन हम रखेंगे पेशेंट को, और चाहें तो उसके बाद आप डिस्चार्ज करा सकते हैं। तो कहते हैं उनके फादर आते हैं तो कहते हैं राघवेंद्र जी कि आज करवा चौथ है डॉक्टर, और मेरी बहू ने मेरी बेटी के लिए तो नहीं मेरे बेटे के लिए फास्ट रखी है, तो क्या वो, तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप सब। और अंदर जो शनि होता है वो गुस्सा हो रहा होता है अपने पिताजी की बातों पे और कहता है कि ये सारा डाकूसला है, ये नया जो कर रही है ना और जो शानी कर रही है, मैं एक दिन इन दोनों को अलग करके रहूँगा। और ऐसा बोलते हैं ऐना बोलती है कि मैं सारा सामान घर से मंगवा लेती हूँ पूजा का। और इधर जो होते हैं टाइम काफ़ी बीत चुका होता है, ये सब सारी चीज़ें भागा दौड़ी में शाम हो चुकी होती है और जो होता है अब पूजा वूजा का टाइम हो चुका होता है, बट वहाँ पे कोई पूजा का प्रबंध ना होते हुए वो शानवी और जो होती हैं शानवी पूजा करती हैं मंदिर में हॉस्पिटल के, और पानी लेके जाती हैं निया के पास। तो निया को कहती हैं निया पानी पिला दीजिए मुझे, मेरा व्रत पूरा करना है। तो कहते कि तुम अभी तक कुछ खाई पी नहीं हो। नहीं आपके बिना मैं कैसे। तो ऐसा कहती हैं और हमारी निया जो होती हैं उनकी आँखों में आंसू भरे हुए होते हैं इतना प्यार देख के। और जो वो बातें कही होती हैं निया सारी बातें सुनी होती हैं और उनको खुशी होती है कि शानवी ने मुझे माफ़ कर दिया सारी गलतियों के लिए। और कहती है ठीक है निया सर, निया मैं आप प्रेस करो मैं बाहर जाती हूँ। वो चली जाती हैं बाहर और भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हैं, और इधर निया भी खुश होती हैं। बट इनका फास्ट तो कंटिन्यू रहता है और उनको डॉक्टर ने कुछ हार्ड चीज़ें लेने से मना किया होता है, क्योंकि अगर हार्ड चीज़ें लेती तो जो उनको टाके लगे हुए होते हैं उससे ब्लीड होता है, तो इसलिए उनको सॉफ्ट चीज़ें सॉफ्ट टाइट रहता है। तो उस दिन तो वो कुछ नहीं खाती हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग उनका फास्ट ओपन होने वाला खुलने वाला होता है, तो सॉरी खुलने वाला होता है। तो इधर हमारी नैना जी जो होती हैं निया को फर्स्ट शानवी को फ़ोन करती, कहती है कि क्या तुमने
निया का फास खुलवाया तो कहती है कि क्या निया ने भी फास रखा था? तो कहती है कि हाँ उसने भी रखा था तुम्हारे लिए और तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। तो ये बोलते हैं और कहती हैं फिर कहने गए हमारे शानवी का दिल में निया के लिए और प्यार और इज्जत बढ़ जाती है। और जहाँ तक लोग हम जानते हैं दोस्तों ऐसे बहुत कम लोग करते हैं अपने पार्टनर के लिए, उनमें से कोई खुश नसीब होता है जिनके पार्टनर ऐसा करते हैं। तो ऐसा निया की होती है शानवी के लिए और इस चीज़ से काफ़ी खुश भी रहती हैं हमारी शानवी और वो तुरंत जाती है फिर से आईसीयू और फिर निया को थोड़ी सी फ्रूट के हल्का सा टुकड़ा मुंह में उनके देती हैं और उनका फास्ट ख़त्म होता है और कहती हैं कि थैंक यू। तो कहती है कि क्यों शानवी? तो कहती बस यूँ ही बोलने का मन हुआ इसलिए बोल दिया। देखते हैं दोस्तों स्टोरी में आगे क्या होता है इनके रिश्ते में और क्या क्या नए मोड़ आते हैं। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।